आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश, नहीं हुई बजट में कोई बड़ी घोषणा, इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले आज केंद्र की मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होने के चलते आम जनता को इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने इस बार कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की। सरकार ने देश के करदाताओं को धन्यवाद जरूर दिया, मगर इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव या राहत नहीं दी। बजट में ये रहा खास, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर अगले 5 साल में बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानक में परिवर्तित किया जाएगा। छत पर सोलर रूफ टॉप लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। देश में 2 करोड़ और लखपति दीदी बनाई जाएंगी। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार देश में टीकाकरण लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।